वेलकम बैक टू सरेश टॉक्स। आप सभी ने ये सिचुएशन तो फील किया होगा कि आप कभी कभी ऐसी जगहों पे होते हैं जहां पे कुछ चीजें गलत चल रही हैं, आपको दिख रहा है गलत हो रही हैं, आप एक बार दो बार ट्राई भी कर चुके हैं उसको चेंज करें, लेकिन आप देख चुके हैं वो चेंज नहीं हो सकता और आपको भी उस सिचुएशन में रहना ही पड़ता है। अब हम इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं कि चीजें गलत चल रही हैं, कोई बोल नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, और हम इरिटेट होते हैं और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि सोल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा। और ऐसी सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करेंगे? इसको हैंडल करने का सिंपल सा तरीका है कि हमको अपनी प्रायोरिटी में ये देखना है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि वो जो चीज़ गलत चल रही है उसको ठीक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या हमारा पीस ऑफ माइंड। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी लाइफ में जहाँ पे आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, गलत चीज़ें हो रही होंगी, गलत चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चेंज नहीं कर सकते तो बेस्ट चीज़ है अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, बिकॉज आपके हाथ में बाकी चीज़ें नहीं है, बट आपका पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप पीस ऑफ माइंड लूज करते हो तो आप हर चीज़ लूज कर जाते हो। तो हमको बस ये फोकस करना है कि अगर सिचुएशन में चेंज नहीं कर पा रहा हूं और मुझे इसी सिचुएशन में रहना है तो मेरा प्रायोरिटी है मेरा पीस ऑफ माइंड और मुझे उस पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखना है। ये छोटा सा वीडियो था, अगर इस वीडियो में जो बताई गई बात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस आप मिस ना करें, और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे फोकस्ड, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।